सैफी अहमद खान का ताल्लुक शाहजहानाबाद से था और आज भी उनका घर शाहजहानाबाद में ही है। उन्होंने जुडिशरी का डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, लेकिन 1857 में उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसके लिए वो लिखते हैं कि मेरे घर के काफ़ी लोग मारे गए और जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मेरे सर के ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो गए। 1857 के बाद मुसलमानों की भी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया, इसलिए कि ब्रिटिश राज के क़ायम होने के बाद जो मुग़ल हुकूमत में मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे उनकी तकरीबन परसेंटेज 68% थी, लेकिन ब्रिटिश राज के बनने के बाद उनको नौकरियों से अलग कर दिया गया, इसलिए कि अब फारसी के बजाय अंग्रेज़ी की नॉलेज ज़रूरी करार दी गई। तो मुसलमानों का आलम ये था कि शाह अब्दुल अज़ीज़ के पास मुसलमान गए और उनसे पूछा कि क्या अंग्रेज़ी तालीम हासिल करना इस्लाम में जायज़ है कि नहीं जायज़, इस पर आप हमें फतवा दीजिए। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने फतवा दिया कि नहीं, मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि 19वीं सेंचुरी में मुसलमान किस तरीके से सोच रहे थे और सर सैद को उनके यहाँ नई तालीम लाने में कितनी दिक्कत हुई होगी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि जब नई तालीम की तरफ सर सैद ने कोशिश की और नया एजुकेशनल सिस्टम वो एमएओ कॉलेज में लेके आए, तो उलमा उस बात को समझ नहीं सके और एक बड़ी तादाद ने उलमा के सर सैद को काफिर डिक्लेयर कर दिया। दूसरा बड़ा ज़बरदस्त काम सर सैद का 1846 में दिल्ली के मोनूमेंट्स पर काम करना था, जिसका नाम उन्होंने आसार सनादीत रखा और वो उन्होंने 1846 में शाये कराई। तो सर सैद एकेडमिकली और एजुकेशनली दोनों तरीक़े से उन चीज़ों के अहिया में लगे हुए थे ताकि मुसलमानों की जदीद तालीम भी हो सके और जो मुसलमानों के निशानात हैं, चाहे वो मोनूमेंट्स की शक्ल में हो या वो मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में हो, ताकि वो शाये हों और मुसलमान उससे इस्तफादा हासिल कर सकें। तो ये दो बड़े काम हैं सर सैद के, एक तो मोनूमेंट्स का कहना चाहिए लिस्टिंग दिल्ली के मोनूमेंट्स की आसार सनादीद की फॉर्म में, दूसरा तारीख फरोशाही और आइन अकबरी की पब्लिकेशन, तीसरा एमओ कॉलेज अलीगढ़ में उन्होंने कायम किया। मैं समझता हूँ नीलूफर साहिबा उस समझ को आगे ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगी, कि सर सैद के उन तमाम कामों को उजागर करेंगी ताकि नई जनरेशन जो है, जो आज तारीख फरोशाही ज़ियाउद्दीन बरनी की नहीं पढ़ सकती, जो अबुल फल का आइन अकबरी नहीं पढ़ सकती, मैं समझता हूँ इस फिल्म से नई जनरेशन भी सर सैद के कारनामों से वाकिफ़ हो सकेगी।